ये देख सकते हैं आप, पाला गिरा हुआ है। रात का मौसम साफ हुआ तो सीधे पाला गिर गया। उधर सामने से सनराइज होता है। ऊपर की पहाड़ियों में इस समय कैसी बर्फ चमक रही है। आप अब साफ हो गया ना आज मौसम, तो आप देख सकते हैं आज कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा व्यू लग रहा है वहाँ पहाड़ियों का। ये देख सकते हैं आप ऊपर ऊपर। एक्चुअली मैं वीडियो में ना इंट्रो देना भूल गया था, तो इसलिए अभी शाम को जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था मैंने सोचा यार नहीं, इंट्रो तो देना ज़रूरी है। आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें जो मैच हुआ आज, कसम से बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते से मैंने पहला, मेरा नाम भूपेंद्र बर्तवाल और आप देख रहे हैं दिल से पहाड़ी। तो फाइनली आज धूप लग चुकी है, ये देख सकते हैं आप पीछे, और थोड़ा धूप सेक लेते हैं क्योंकि आसमान में इस साइड बादल भी हैं, तो पता नहीं कब धूप चले जाए। आसमान थोड़ा साफ है तो आज उम्मीद लगाई जा रही कि दो मैच पॉसिबल होंगे, दो मैच हो जाएंगे आज। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं किस तरह की पिच है, अभी कितनी गीली हो रखी है। और खेतों में ये धनी कलर धूप खिलने के बाद कुछ अलग ही लेवल पे ले जाता है पहाड़ की खूबसूरती को। ये देख सकते हैं आप, ट्रायल बैटिंग। तो गुड़म ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पहली गेंद देर रात के सामने व्हाइट, फिर से आई लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, व्हाइट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, अच्छा सामान, राइट आर्म ओवर द विकेट, आइस के सामने देवरात, और यहाँ पे शॉट उठाने का प्रयास, ओवर द विकेट देवरात के सामने, और अच्छी गेंद, और यहाँ पे एक रन आसन के साथ पूरा, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन भी पूरा, और यहाँ पे तीसरे रन की मांग थी लेकिन आइस, आइस के सामने होंगे देवराज, और अच्छी गेंद, अच्छा शॉट यहीं पे, एक रन आसानी के साथ पूरा, रन स्कोर जा पहुंचा 5 रन, पहली बार संदीप के सामने होंगे आइस, फिर से आइस, राइट आर्म ओवर द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट, और कहा भी लंबा शॉट, 6 रन, 6 रन यहाँ पे, काफी लंबा छक्का इस दौरान, और इस छक्के से खाता खोला है संदीप ने, और यहीं पे, और सिमारेका की तरफ से काफी तेज गेंदबाज, 1 रन यहाँ पे, 15 रन, 1 ओवर की समाप्ति में 15 रन, काफी महंगा ओवर, कुछ ही क्षणों में आप कमेंट्री का मजा ले पाएंगे, और अच्छी गेंद यहाँ पे, रन लेने की कोशिश, आ जाए फिर से, और यहाँ पे बेहतरीन गेंद, 4 रन के कदमों से अंपायर को पार करते हुए, लंबाई घुराने का प्रयास देवराज, और काफी लंबा शॉट यहाँ पे, 1 रन आसानी के साथ पूरा, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा, यहाँ पे रन स्कोर जा पहुंचा 24 के कंधों से अंपायर को पार करते हुए, और ये अच्छी गेंद, यही बैठे दो रन आउट का खतरा, ऑल आउट, देवराज रन आउट हुए यहाँ पे, संदीप फिर से खेला के लिए तैयार, अजय, और अच्छी गेंद, अच्छा सामान यहाँ पे संदीप के द्वारा, और 2 ओवर की समाप्ति पर रन स्कोर जा पता 24, और हमारे कंट्री बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो अब सॉल्व हो चुकी है, फिर से नए गेंद बात करूँ मैं धीराज, और अच्छी गेंद यहाँ पे सूरज खेलने के लिए तैयार, पहली मरतबा धीराज उसके सामने। तो गाइज मेरा कमेंटेटर अभी जा चुका, ओहो अच्छी गेंद। तो अभी तक कपिल यहाँ पर कमेंट्री कर रहा था और अभी मैं फ़िलहाल मैं ही हूँ कमेंट्री बॉक्स में, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी अब सॉल्व होती हुई, तो कुछ देर बाद आप कमेंट्री का मज़ा ले पाएंगे। और क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मौसम क्रिकेट के लिए यहाँ पर बना हुआ है, अच्छी पोजिशन में अभी गुड़म की टीम, हालांकि 1 विकेट गंवा चुकी है। धीरज सामने होंगे संदीप,
वो शॉर्ट पिच गेंद और उठा दिया गेंद को, वहाँ पर फील्डर मौजूद, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ओ ये लगा बहुत लंबा शॉट 6 रनों के लिए, फिर से खेलने के लिए तैयार सूरज, सामने धीरज गेंदबाज। ओहो और 3 ओवर की समाप्ति पे 35 रन और नए गेंदबाज फिर से। ओहो अच्छी गेंद, अपील हल्की अपील, बोल्ड और ये बोल्ड दूसरी सफलता मिलती हुई यहाँ पर नेल की टीम को। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं प्रमोद, जो कि हापला घाटी के माने जाने प्लेयर हैं। फिलहाल अभी संदीप टिके हुए हैं क्रीज पर, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए। तो ओहो फुल टॉस गेंद थी लेकिन मिस किया। ओ ये मार दिया ऊपर की साइड, लेकिन वहां पर जब तक फील्डर गेंद के पीछे पहुंचता तब तक 2 रन पूरे कर लिया आसानी से। इसी बीच अगली गेंद, संदीप खेलने के लिए तैयार, फिर से वही शॉट और ये फिर से उठा दिया गेंद को फील्डर, जब तक गेंद को क्लट कर पाते तब तक 2 रन फिर से आसानी से, एक ही रन से संतुष्ट। तो अब प्रमोद पहली बार बल्लेबाजी करेंगे, सामने गेंदबाज, ओहो काफ़ी बाहर थी गेंद, वाइड का सर अंपायर का। इसी बीच अगली गेंद, सामने प्रमोद, ओह ये और क्लैंग की गेंद थी, सम्मान दिया वहीं पर। ओहो ये गेंद काफ़ी ऊपर उठा दी है और छोड़ दिया कैच ड्रॉप वहां पर, और ये फिर मिस फील्डिंग वहां नीचे, जहां विकेट मिलना था वहां एक एक्स्ट्रा रन दे दिया और यहां पर जीवन दान मिला प्रमोद को। इसी बीच अगली गेंद, सामने संदीप, ओहो पैड पे लगी लेकिन अपील, उत्साह ज़्यादा विश्वास कम। और अब अजय आए हैं गेंदबाजी बाहर, ओहो काफ़ी बोन्स गेंद में, और इस समय स्लो ओवर वन का इस्तेमाल किया है। अच्छी गेंद, तो अब कमेंट्री का मजा लीजिए आप लोग। काफी अच्छी शॉट यहाँ पर गेंद फील्डर गेंद के पीछे, और एक बार सभी क्रिकेट प्रेमियों का यहाँ पर काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ गुरन और टीम मोदी के बीच में टॉस जीता था, टीम कैप्टन गुरन ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और यहाँ 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, जबकि स्कोर 45 रन। आपको बताना चाहूंगा 6 ओवर समाप्त 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बड़ा नाम हापला घाटी में राउंड विकेट गेंदबाजी करने का यहाँ फैसला। अच्छी गेंद, खतरा हो सकता था यहाँ पर कैच आउट का, लेकिन फील्डर गेंद की तरफ से काफी दूर, तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा, तो गेंदबाजी इस समय खराब विकेट कीपिंग यहाँ पर मोदी की टीम के द्वारा। साथ में बैठे हुए मेरे साथी कमेंटेटर गजेंद्र बद्वान, इस समय काफी की गई है गेंद शानदार कैच, और भी कौन देखता है यहाँ पर गुलाम को सम्मेलन के रूप में विख्यात प्रदर्शन नहीं कर पाए टीम के खराब बल्लेबाजी आज आते हैं
83 रन चार, 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 और वहाँ फील्डर गेंद को
ढूंढ रहे हैं और नगर गैर से काफी गड़ा हुए थे, तब तक तीन अंकुर इस समय क्लीन बोल और लोग के रूप में लगने वाला एक और घटना अंतिम जोड़ी मैदान में होगी। अभी भाग चलो घूमो गोली चार चार यार गोली तो भी चार रन बने थे यार। चलो अजय का काफी लोग यहाँ पर अजय भाग रहे थे, लड़का धीमा यहाँ पर अच्छी धीरे धीरे आगे डायरेक्ट जीत होता था जाना पापा अजय को लेकिन तब तक दो रन पूरे आना आना में एक ओवर समाप्त और पांच रन अच्छी शुरुआत यहाँ पर टीम मोदी से। अगर मोदी से मैच जीतना है निश्चित तौर पर इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। बैठा में बदलकर गेंदबाजी करने का फैसला काफी जल्दी दिखा रहे थे और लास्ट में ना सम्मान वहाँ पर तो अच्छी गेंदों को सम्मान देना होगा। और खतरा हुआ भी बिल्कुल खराब तालमेल पहले भी यहाँ पर नौली की टीम में देखने को मिला था और सही दूर यहाँ पर बिल्डर दिव्यांगों के द्वारा अपील यहाँ पर उत्साह में है और फिर से यहाँ खिले सूर्य काफी यहाँ पर खतरा हो सकता था। इस समय काफी चीजें विकेट में खेला था और आज अजय बिल्कुल पूरी ठीक लगी है। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर और आज नई गेंदबाज के रूप में कुमकार गेंदबाज दो रन काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। काफी गेंदबाज हल्के में भी मैच नहीं लेना होगा। इस समय काफी अच्छी गेंद है काफी अच्छी गेंद वहाँ पर उठता है लेकिन अंपायर बजे हो रहे साथ में अभी तक
और तालमेल में बेहद कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। धन्यवाद अजय के द्वारा विद्यार्थी के लिए बेहद जरूरी होगा। युवा प्रतिभावान खिलाड़ी बेहतरीन प्रयास यहाँ पर इस समय तीसरा पार का इशारा यहाँ काफी शायद यहाँ पर देर खेली है, लेकिन अच्छी टीम यहाँ पर बेहद की ज्यादा रन की कोई गुंजाइश नहीं। और अब यहाँ आए हैं
बाहर अंपायर का हाथ है ना जरूरी ये पैसिंग गेंदबाजी और उसी पत्ते पर गेंदबाजी करनी होगी बताओ अगर जारी और अंपायर का सारा क्या फायदा उठाता है ये देखने वाली बात लगा प्री स्टार्ट हो जाएगा और इस समय खालसा बाहर अंपायर का सारा बार नो बॉल का नो बॉल इनकी निगाहें तो निश्चित तौर पर फ्री इंडिया पर क्या फायदा उठाते हैं तीस गेंद में 45 रन इस प्रकार के रन लेने की जरूरत ही नहीं अगर हो चुकी है अजय के द्वारा है हाना 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 और लास्ट में ना फिर से प्रीतम ठीक है ये बीट हुए बल्लेबाज अजय जीतना होगा ये विकेट चटकाना बेहद जरूरी समय काफी समाप्त अब यहाँ से 24 गेंद में 37 रन जीत के लिए अभी भी यहाँ अगर निश्चित तौर पर नॉली की टीम इस मैच से पिछड़ जाएगी नेटवर्क का जाल बिछाना होगा लाइन के अंदर गेंद जा रुकी कई सीमा रेखा के बाहर सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए गेंद और तीन बॉल उत्तम बल्लेबाज अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा और इस समय काफी की गेंद बॉडी लाइन के अंदर गेंद जा रुकी गेंद जा रुकी बॉडी लाइन के अंदर निश्चित तौर पर झटका हो सकता था और यहाँ ओवर समाप्त 12 ओवर की समाप्ति पर 100 रन एक अच्छी गेंदबाजी की जरूरत सूरज के द्वारा सूरज अपने कोटे का अंतिम ओवर टीम से 13 ओवर निवेदन गेंदों को जल्दी से जल्दी इस प्रकार की जल्दबाजी दिखानी नहीं होगी बोल ये अच्छी गेंदबाजी एक बड़ा झटका नॉली टीम को लगता हुआ गेंद वहाँ पर भाग खेलने के लिए तैयार बल्लेबाजी करने की जरूरत और अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत प्रीतम को भाई भाई।
12 बॉल 13 रन 12 गेम 13 रन ग्यारह बॉल ग्यारह रन अरे और क्लीन बॉल चलता बनाया बैट्समैन की बाकी धन्यवाद यहाँ पर दर्शक बढ़ कर रह गए और आउट यहाँ पर सही फैसला बैटिंग विकेट की रिंग पर मोट के द्वारा दिल्ली या बिखेरी अब यहां से 6 गेंदों में 9 रन की जरूरत नोली टीम को काफी अच्छा मैच हो सकता है वाले इस मैच को न देखे ब्लू निवेदन आप दंगल चैनल को देखे तो इस मैच को न देखे कुछ भी हो सकता है अब यहाँ जान हल अपना टीम कैप्टन नोली की 4 गेंदे 8 रन कुछ भी इस मैच में हो सकता है 4 गेंदे 7 रन अगर यहाँ छक्का लगता है निश्चित तौर पर मैच बराबर हो जाएगा और मैच टाई सिंगल और 85 माइट जीत यार तो दोस्तों आपने मैच देखा कितना अच्छा मैच हुआ लास्ट तक ये मैच गया और लास्ट में नोली की टीम ने जीत हासिल की और अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए प्लीज़ और हाँ बेल आइकॉन भी दबा दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए बाकी आपके बिना मैं कुछ भी नहीं जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड जय देवभूमि